खरगोन शहर में खेलों को बढ़ावा देने और खिलाड़ियों को खेलों में आगे लाने के उद्देश्य को लेकर आए दिन प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है। इसी तारतम्य में शहर के जमजम मार्केट जमात मैदान में सद्भावना ट्रॉफी रात्रि कालीन प्लास्टिक बाल क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। चौथे दिन भी 8 मैच खेले गए। दुधिया रोशनी में मैदान के चारों ओर दर्शकों से गचागच भरा हुआ। देर रात तक दर्शक क्रिकेट मैच का आनंद ले रहे हैं। आरिफ खान ने बताया कि मैच में 64 टीमों ने हिस्सा लिया है। हर रात में 8 मैच खेले जाते हैं, जिसमें जो टीम जीत जाती है वह विनर रहती है और अंत में फाइनल मैच का मुकाबला होगा, जिसमें प्रथम इनाम 31,700 रुपए, दूसरा इनाम 15,000 रुपए रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट खरगोन। खेल को बढ़ावा देने के लिए हमने सद्भावना ट्रॉफी का टूर्नामेंट करवाया है। हमारा उद्देश्य है क्रिकेट को बढ़ावा दिया जाए। आए दिन खरगोन के अंदर नाइट टूर्नामेंट होते हैं और सफल होते रहते हैं और ये उसी का नज़ारा आप पीछे देख रहे हो। इसमें तकरीबन 60 टीमें हैं। एक दिन में 8 मैच होते हैं, जिसमें से एक टीम सिलेक्ट होती है और अभी टोटल हमारा को आज चौथा दिन है मैच चालू होने को और 4 टीमें हमारी क्वालिफाई कर चुकी है। अभी तक ये टूर्नामेंट चलेगा मैक्सिमम 9 से 10 दिन चलेगा। 4 दिन हो चुके हैं, 6 दिन और बचे हुए हैं। जो टीमें 8 में से जीत रही है वो क्वालिफाई होके आगे की 6 टीमें बनेगी। 6 टीमों के अंदर से सेमीफाइनल होगा, उसके बाद में फाइनल मैच खेला जाएगा। इनाम 31,786 रुपये पहला इनाम है, 15,786 दूसरा इनाम है, 6 बॉल पे 251 रुपये है, 3 विकेट पे 251 रुपये है, हैट्रिक पे और बेस्ट कैच बेस्ट बॉलर का इनाम भी रखे गए। आरिफ खान। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।